जो भारत में सरकारी नौकरियों का जो शिखर होता है, सबसे जो महत्वपूर्ण नौकरी होती है वो यूपीएससी की सिविल सर्विस की परीक्षा होती है। इसके जरिए भारत में ब्यूरोक्रेसी का चयन होता है और वो जो ब्यूरोक्रेट हैं वो बहुत शुरुआती दौर से ही बहुत ऊपर के पोजीशंस पे होते हैं और धीरे धीरे वो पूरे देश को चलाने वाली जो नौकरशाही है, ब्यूरोक्रेसी है, उसका निर्माण इसी परीक्षा से होता है और इस परीक्षा का जो संचालन है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करती है। ये परीक्षाएं 2019 में हुई थी और अगर आप इसमें देखेंगे तो टोटल जो वैकेंसीज थी वो 927, 927 वैकेंसीज थी। इसमें आईएएस 180, इंडियन फॉरेन सर्विस 24, इंडियन पुलिस सर्विस मतलब आईपीएस 150, सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए के 438 पोस्ट और ग्रुप बी के 135 पोस्ट, मतलब कुल मिलाकर 987 पोस्ट के लिए ये परीक्षा हुई थी। मतलब 927 ऑफिसर्स इस परीक्षा के जरिए चुने जाने थे। इसमें अगर आप देखेंगे, शायद आप देख पाएंगे इसमें, तो आप पाएंगे कि टोटल 397 पोस्ट जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए हैं, मतलब ओपन पोस्ट हैं। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो इस बार से शुरू हुआ है 83 पोस्ट, ओबीसी के 251 पोस्ट, शेड्यूल्ड कास्ट के 129 पोस्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के 67 पोस्ट। ये टोटल इतनी नियुक्तियां इस साल होनी है। तो इतनी नियुक्तियां अगर होनी है तो इसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि इतने का रिजल्ट आया होगा, 927 लोगों का रिजल्ट आया होगा। अब मैं आपको इनके इनका रिजल्ट दिखाता हूँ। टोटल जो रिजल्ट है वो आप खोल कर देखिए, फाइनल रिजल्ट जो है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर जो टॉप पोजीशन है इस सिविल सर्विस में इस साल जो पास किया है वो प्रदीप सिंह है, फिर जतिन किशोर हैं, फिर प्रतिभा वर्मा हैं, फिर हिमांशु जैन हैं, फिर जयदेव सीएस हैं, फिर विशाखा यादव हैं। और इस तरह से करते करते अगर आप उसके रिजल्ट के छठे पेज पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि कुल मिलाकर 829 ऑफिसर्स का चयन हुआ है। सुनील कुमार लास्ट आखिरी कैंडिडेट जो हैं वो सुनील कुमार हैं। ये आप फिर से देख सकते हैं, मैंने आपके सामने ये विंडो फिर खोल रखा है। 829 टोटल और इसके बाद कंक्लूडेड लिखा हुआ है, इसका मतलब कि 829 अफसर्स की लिस्ट यूपीएससी ने जारी की है। अब आप कहेंगे कि अगर टोटल 927 अफसरों का सिलेक्शन होना है, विज्ञापन अगर 927 ऑफिसर्स का जारी किया गया है, तो ऐसी हालत में 927 ऑफिसर्स का टोटल सिलेक्शन होना है और आपका रिजल्ट आ रहा है 829 लोगों का, ये क्या है? मतलब अगर पता नहीं, शायद इसको आप रिवर्स में देख रहे होंगे, लेकिन जो भी, मतलब ये कुल मिलाकर आपको बहुत सारे ऑफिसर्स का गैप मिल रहा है कि 927 अफसरों की नियुक्ति होनी है और 829 का रिजल्ट देना है। अब ये 829 लोगों की लिस्ट उन्होंने जारी कर दी कि आप 829 अफसरों की नियुक्ति कर लीजिए। इसमें 304 अफसर जनरल कैटेगरी के हैं, ईडब्ल्यूएस के 78 अफसर हैं, ओबीसी के 251, शेड्यूल्ड कास्ट के 129 और एसटी के 67। मुझे उम्मीद है कि आप सारे लोगों ने भारत सरकार की वेबसाइट इस समय खोल रखी होगी, यूपीएससी या पीआईबी या कहीं पर भी भारत सरकार की वेबसाइट से मेरे ख्याल से आप इस समय रिजल्ट देख रहे होंगे और मैं जो कह रहा हूँ वो ऑथेंटिक है, इसके बारे में आप देख सकते हैं। कोई भी इस टैग को खोल सकता है, खोल के देख सकता है। मतलब कुछ भी ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ जो कि भारत सरकार नहीं बोल रही है। तो अगर 927 अफसरों की नियुक्ति होनी है और 829 का रिजल्ट दिया गया है तो बाकी क्या हुआ? बाकी अफसरों की लिस्ट कहाँ है? मतलब ये टुल मिलाकर डेफिसिट जो है वो 927 में से आप घटा दीजिए 829, तो टोटल 927 में से 829 घटाएंगे तो 98 ऑफिसर्स फिर कहाँ गए? ये कहाँ पर है? अब इसके बारे में एक क्लेरिफिकेशन यूपीएससी दे रहा है। इस क्लेरिफिकेशन को आप फिर भारत सरकार की वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है? इन अकॉर्डेंस विथ रूल 16(4) एंड 5 ऑफ द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन रूल 2019, द कमीशन इज मेंटेनिंग ए कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एज अंडर जनरल 19, ईडब्ल्यूएस 9, ओबीसी 71, एससी 8, एसटी 7। टोटल 182 कैंडिडेट की इन्होंने एक रिजर्व लिस्ट जारी कर दी है। टोटल रिजल्ट ये नहीं दे रहे हैं, एक मुस्त एक साथ ये सारा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। ये टोटल 182 लोगों का रिजल्ट इन्होंने रोक रखा है। यहीं पर दरअसल पेंच है, यहीं पर बहुत बड़ा एक खेल हुआ है। खेल ये है दरअसल दोस्तों कि ये
जो 91 ऑफिसर्स हैं ये बाद में जो नियुक्त किए जाएंगे ये कौन लोग होंगे? दरअसल ये 91 के 91 ऑफिसर्स जनरल कैटेगरी, जनरल में भी अपर कास्ट से ये 91 ऑफिसर्स दरअसल नियुक्त कर लिए जाएंगे, और इस तरह से आपका इस रिजर्वेशन का पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है इसका उल्लंघन हो जाएगा। दरअसल हुआ ये है कि ये जो कैंडिडेट हैं ओबीसी के 71, शेड्यूल्ड कास्ट के 8 और सिविल ट्राइब के 3 और ईडब्ल्यूएस के 9, ये वो कैंडिडेट हैं जो जनरल मेरिट लिस्ट में आ गए हैं। अब चूंकि ये जनरल मेरिट लिस्ट में आ गए हैं और इनको बाहर रखना है, इनको अगर ऑलरेडी ये 91 कैंडिडेट को अगर ये कैंडिडेट को एडजस्ट कर लेते हैं जनरल मेरिट में, तो जनरल कैंडिडेट की संख्या दरअसल घट जाएगी और जो जनरल कैंडिडेट जो जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो सिर्फ 40% रह जाएगी। तो मैं अगर सिविल सर्विस में टॉपर भी हूं तो भी मुझे ये ओबीसी कैटेगरी में प्लेस करना चाहते हैं। ये जो कैंडिडेट्स हैं ये कैंडिडेट्स अगर जनरल कैटेगरी में जाकर अपना स्थान लेते हैं तो जनरल कैटेगरी छोटी हो जाएगी। सिर्फ ये कोशिश इनकी ये है कि जो जनरल कैटेगरी है जो जिसको कि इन्होंने दरअसल अपर कास्ट कैटेगरी बना दिया है वो 50% से कम न हो। दरअसल ये रिवर्स रिजर्वेशन है, ये ओबीसी के कैंडिडेट 71 कैंडिडेट अगर इस समय जनरल कैटेगरी में जाकर अपनी सीट ले लें तो वो जो अनरिजर्व कैटेगरी है वो वहां पर वो अपना स्थान ले लेंगे। दरअसल इसीलिए ये सारा षड्यंत्र रचा गया है कि शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के जो कैंडिडेट जनरल कैटेगरी में अपना स्थान बना ले रहे हैं मेरिट में, अब हो सकता है कि टॉपर जो प्रदीप सिंह है वो ओबीसी हो, फिर आपको जो आपको वर्मा है वो ओबीसी है, आपको ये इस तरह के बहुत कैंडिडेट टॉप में जो ओबीसी एससी एसटी के कैंडिडेट बहुत बड़ी संख्या में आजकल चुन के आ रहे हैं, उनको किसी तरीके से इनको अपनी कैटेगरी के अंदर पुश कर देना है। तो ये जो भारत सरकार कह रही है कि आर्टिकल रूल 16(4) और 16(5) ऑफ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, वो ये कह रहा है कि आप अगर अपनी कैटेगरी में रहेंगे तो आपको अब ये जो कैटेगरी के बाद इनको अपना जो सर्विस चुनना है, यहां पर वो कह रहे हैं कि अगर आपको आईएएस बनना है तो आप अपनी कैटेगरी के अंदर रहिए ताकि आपकी मेरिट लिस्ट ऊपर रहे। जैसे एक कैंडिडेट हो सकता है कि ओबीसी कैटेगरी में उसका जो रैंक है वो ओबीसी रैंक जो है वो 20 हो, लेकिन वो अगर जनरल लिस्ट में जाएगा तो उसकी रैंक हो सकता है कि 225 हो, तो 225 के साथ उसको आईएएस नहीं मिलेगा। तो सरकार ये कह रही है कि आप अपनी कैटेगरी के अंदर रहिए तब हम आपको आपकी पसंद की सर्विस देंगे। तो ये जो खेल है कि आपको अपनी अपनी सर्विस पसंद की चाहिए तो आप अपनी कैटेगरी में जाइए, और अपनी कैटेगरी में जाते ही वो जगह जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी का एक कैंडिडेट जाकर ले लेता है। तो इस तरह से ओबीसी एससी और एसटी के कैंडिडेट के साथ बहुत बड़ी हकमारी हो रही है, बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, और एक आईएएस अफसर की आप कीमत समझते हैं वो अपनी दूसरी सर्विस में कलेक्टर बन जाता है और वो करोड़ों रुपए का बजट और हजारों नौकरियां इधर से उधर करने की हैसियत में पहुंच जाता है। तो एक एक पोजीशन जहां इतनी महत्वपूर्ण है, वहां 71 पोजीशन ओबीसी की, 8 पोजीशन शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब की 3 पोजीशन। मुझे लग रहा है कि आप इस सारे ये सारे नंबर भारत सरकार की वेबसाइट पर इस समय देख पा रहे होंगे, कृपया उसको आप देखिए, सिविल सर्विस रिजल्ट इस बार का देखिए। तो ये कैंडिडेट को किसी तरह से कोशिश है कि अपनी कैटेगरी के अंदर रहो ताकि आप जो जनरल मेरिट है वहां पर आप अपनी अपना स्थान न लें, इसकी पूरी कोशिश है। और इस वजह से ये इतना बड़ा षड्यंत्र भारत में हो रहा है इतने पढ़े लिखे लोगों के साथ। सिविल सर्विस में जो जा रहे हैं वो जाहिर है कि बहुत पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, वो जो कोचिंग कर रहे होंगे वहां उनको टीचर्स बता रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो ये हर साल अगर भारत सरकार इस तरह से लगातार ओबीसी और एससी और एसटी के कैंडिडेट्स को कहेगी कि आपको अच्छी सर्विस चाहिए तो अपनी कैटेगरी में जाइए, तो ये कितना बड़ा एक अन्याय हो रहा है। और ऐसे अन्याय को दरअसल छिपाने के लिए ही इस तरह के भावनात्मक मुद्दे उछाले जाते हैं। मंदिर का मुद्दा होगा, कभी आपको कुछ भी अनाप शनाप गाय का मुद्दा होगा, जिससे आपकी नौकरी का कोई लेना देना नहीं है, जिससे आपके रोजगार का कोई लेना देना नहीं, आपके करियर का कोई लेना देना नहीं। अंबेडकरवादी पत्रकारिता को आगे बढ़ाएं, अपना खुद का नेशनल बहुजन मीडिया खड़ा करने के लिए द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर में सीधे अपनी आर्थिक मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा UPI, पेटीएम, फोन पे और गूगल पे के जरिए भी आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपकी ये छोटी सी मदद एक बड़े मिशन को कामयाब बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। जय भीम।